आज है आईपीएल का दूसरा दिन और आज है आईपीएल के दो दो मैचेस। मतलब कि यार कल ही तो आईपीएल शुरू हुआ है और आज हमें आईपीएल का इस साल का पहला डबल हेडर देखने को भी मिल रहा है। तो भाइयों आप ही बताओ कि इससे अच्छा आईपीएल की शुरुआत क्या पहले कभी हुई है, क्योंकि आज दूसरे दिन ही आईपीएल के दो दो मैचेस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से पहला मैच है मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स, मतलब रोज सुपरहिट शर्मा बनाम ऋषभ ताबड़तोड़ पंत। तो दीवानों इस वीडियो के अंदर हम इसी मैच के गेम प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। अपने अगले मैच का गेम प्लान हम अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए आपका ज्यादा कीमती समय ना बर्बाद करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं टाटा आईपीएल 2022 के दूसरे मैच का गेम प्लान। तो चलिए दीवानों जल्दी से इस गेम प्लान की शुरुआत करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड से। इन दोनों टीमों ने आईपीएल के इतिहास में अब तक कुल 30 मैचेस खेले हैं, जिसमें से मुंबई इंडियंस ने 16 बार दिल्ली कैपिटल्स को पटकने दिए और वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने भी 14 बार मुंबई इंडियंस को मात दी है। तो अब आप ही बताओ कि इस मैच के अंदर मात मिलेगी या पटकनी, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो चलिए दीवानों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर, क्योंकि हर टीम के अंदर उनकी कोई ना कोई ताकत होती है और कोई ना कोई कमजोरी भी होती है। तो पहले बात करते हैं दोनों टीमों की स्ट्रेंथ की, शुरुआत करते हैं मुंबई इंडियंस से। मुंबई इंडियंस की इस साल की जो मुझे उनकी ताकत नजर आ रही है वो है इनकी बैटिंग, क्योंकि इनके पास है इस आईपीएल की वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग जोड़ी जो है रोहित शर्मा और ईशान किशन, और फिर इस टीम के पास वन डाउन का भी इनफॉर्म बैट्समैन है और वो है सूर्य कुमार यादव। साथ ही साथ इस टीम के पास फिनिशर भी काफी अच्छे हैं जो है कैरन पोलार्ड और टिम डेविड। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जो इस साल की मुंबई इंडियंस की ताकत बन सकती है आईपीएल के अंदर वो है उनका बैटिंग ऑर्डर। तो चलिए दीवानों अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, आखिर वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम को बनाता है इस साल मजबूत। तो मेरे हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जो डिपार्टमेंट मजबूत बनाता है वो है उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि इस टीम के पास बॉलिंग के अंदर कई सारे विकल्प हैं, जैसे कि शार्दुल ठाकुर, लुंगी एनगेड़ी, एंड्रिक नोकिया, चेतन साकरिया, मुस्तफिजुर रहमान, और स्पिन के अंदर भी इनके पास काफी अच्छा प्लेयर है जैसे कि कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, और क्या ही लोग हैं भैया बॉलिंग के अंदर। तो मुझे लग रहा है दिल्ली कैपिटल्स ने इस आईपीएल के अंदर बॉलिंग डिपार्टमेंट में कई टीमों से बाजी मार ली है। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से जो मुझे दिल्ली कैपिटल्स की ताकत नजर आ रही है वो है उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट। साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की तारीफ यहाँ पर भी करनी होगी जहाँ पर इन्होंने शिखर धवन को छोड़ा और डेविड वॉर्नर को लिया, मार्कस स्टोइनिस को छोड़ा तो मिचेल मार्श को लिया, और जहाँ पर सिमरन हेटमायर को छोड़ा वहाँ पर इन्होंने अपनी टीम में रोमन पॉवल को शामिल कर लिया। तो बहुत ही बढ़िया यार दिल्ली कैपिटल्स, यहाँ पर तो आपकी तारीफ बनती है। लेकिन 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 दिल्ली कैपिटल्स की मुझे जो वीकनेस नजर आ रही है इस सीजन, नहीं शुरुआत के कुछ मैच जहाँ पर इनके पास शुरुआती कुछ मैचों में डेविड वॉर्नर और मिचेल मार्श दोनों ही शामिल नहीं होंगे, साथ ही एंड्रिक नोकिया की फिटनेस पर भी बहुत सवाल जवाब चल रहे हैं, पता नहीं इस सीजन पूरे मैच खेल भी पाएंगे या नहीं। तो बस दिल्ली कैपिटल की मुझे यही बस थोड़ी सी कमी नजर आ रही है कि उनके मेन मेन खिलाड़ी पूरे मैच खेल ही नहीं पाएंगे आईपीएल के। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की वीकनेस पर। तो मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस की इस साल की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो है उनकी बॉलिंग, बॉलिंग में भी स्पिन डिपार्टमेंट। बस यार दो ही तो स्पिनर है इनके पास, एक है मयंक मारकंडे और दूसरे है मुरुगन अश्विन, तीसरा तो मुझे कोई नामी गिरामी स्पिनर नजर आई नहीं रहा इनकी टीम में। साथ ही एक और चीज जो हमें मुंबई इंडियंस की तरफ से हर साल देखने को नजर आती थी वो है बुमराह का जोड़ीदार। जो सबसे पहले इनके जोड़ीदार बने थे वो है इनके गुरु लसित मलिंगा, उसके बाद लसित मलिंगा गए तो इनकी टीम में ट्रेंट बोल्ट आ गए और ट्रेंट बोल्ट और बुमराह की कई साल तक जोड़ी हमें देखने को मिली। लेकिन इस साल मुंबई इंडियंस की तरफ से जसप्रीत बुमराह के लिए मुझे कोई और बॉलर देखने को नजर आ नहीं रहा जो इनके साथ दे सके। अगले साल के लिए इन्होंने जोफ्रा आर्चर को तो संभाल के रख लिया है बुमराह का जोड़ीदार बनाने के लिए, लेकिन इस साल मुंबई इंडियंस की तरफ से जसप्रीत बुमराह के साथ वो कौन सा तेज गेंदबाज होगा जो बॉलिंग करेगा। मुझे तो लग रहा है मुंबई इंडियंस की तरफ से नया कोई ऐसा गेंदबाज चमकने वाला है जिसे शायद हम नहीं जानते। तो चलिए भाइयों इसी के साथ ये बात तो हो गई दोनों टीमों की ताकत और दोनों टीमों की कमजोरियों की, अब बात करते हैं प्लेयर्स बैटल की। तो इस प्लेयर्स बैटल के अंदर मैंने रखा है बूम बूम बुमराह और ऋषभ ताबड़तोड़ पंत को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस मैच के अंदर ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने आ सकते हैं, और अगर आमने सामने आ गए तो दोनों को देखने में आएगा बहुत ही मजा, क्योंकि दोनों ही जने अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल मजबूत हैं। जहां पर ऋषभ पंत को छक्के मारने में आता है बहुत ही मजा, वहां पर बूम बूम बुमराह आते नहीं है किसी के भी हाथ। अब आप ही बताओ कि इन दोनों प्लेयर्स बैटल में से कौन सा खिलाड़ी बाजी मारेगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो चलिए इसी के साथ अब बात कर लेते हैं दूसरे प्लेयर्स बैटल की। इस बैटल के अंदर मैंने रखा है रोज सुपरहिट शर्मा और लुंगी एनगेड़ी को। मैंने इन दोनों को इसलिए आमने सामने रखा है क्योंकि रोहित शर्मा पावर प्ले के अंदर बैटिंग कर रहे होंगे तो उस टाइम पर लुंगी एनगेड़ी बॉलिंग कराने जरूर आएंगे, और जब लुंगी एनगेड़ी बॉलिंग कराने आएंगे तो लुंगी एनगेड़ी जरूर कोशिश करेंगे कि तेज तर्रार अंदर आने वाली गेंद रोहित शर्मा को जरूर डाले, और रोहित शर्मा इस गेंद पर फंसते भी हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बैटल के अंदर भी बहुत मजा आने वाला है। आप बताओ कि रोहित शर्मा और लुंगी एनगेड़ी में से कौन बाजी मारेगा। मुझे पता है रोहित शर्मा आसानी
आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन कभी भी एक ऐसी बॉल डल सकती है जहां पर बल्लेबाज आउट हो जाता है और बॉलर को तो वैसे भी एक ही गेंद लगती है बैटल जीतने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों बैटल्स के अंदर बहुत मजा आएगा। तो चलिए इसी के साथ अब नजर मार लेते हैं इस मैच के अंदर दोनों टीमों की पॉसिबल 11 पर। शुरुआत करते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 पर जो खेल सकती है इस मैच के अंदर। तो मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर मुंबई इंडियंस के लिए ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा और अनमोल प्रीत सिंह, क्योंकि सूर्य कुमार यादव इस साल मुंबई इंडियंस के लिए पहला मैच नहीं खेल पाएंगे। तो उस जगह पर तो ईशान किशन खेलेंगे, मतलब वन डाउन पर ईशान किशन हो गए। और सेकंड डाउन पर मैंने रखा है अंडर 19 का एक सितारा मतलब तिलक वर्मा, और पांच और छह पे मैंने रखा है टिम डेविड और कैरन पोलार्ड को। इसी के साथ सातवें और आठवें नंबर पर मैंने रखा है डैनियल सैम और जसप्रीत बुमराह को, और एंड में 9, 10 और 11 पर मैंने रखा है मयंक मार्कंडे, जयदेव उनादकट और टाइमल मिल्स। तो मेरे हिसाब से इस मैच के लिए जो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 उतर सकती है ग्राउंड पर वो ये है। तो चलिए इसी के साथ अब नजर मारते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 पर जो खेल सकती है इस मैच के अंदर। तो मेरे हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो आज के मैच में ओपनिंग कर सकते हैं वो है पृथ्वी शॉ और टीम सरफट, क्योंकि डेविड वॉर्नर और मिचेल मार्श दोनों ही नहीं खेल पाएंगे इस वाले मैच के अंदर। तो तीसरे नंबर पर मैंने केएस भरत को भी रख लिया है। चार नंबर पर मैंने रखा है ऋषभ ताबड़तोड़ पंत को, और पांच और छह पे मैंने रखा है रोमन पॉवल और सरफराज खान को। इसी के साथ सात नंबर और आठ नंबर पर मैंने रखा है अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर को, और एंड में 9, 10 और 11 पर मैंने रखा है कुलदीप यादव, लुंगी एनगिड़ी और मुस्तफिजुर रहमान को। तो मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर दिल्ली कैपिटल्स की जो प्लेइंग 11 खेल सकती है वो ये है। तो चलिए दीवानों ये बात तो हो गई दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की, क्योंकि आईपीएल के अंदर अगर प्रेडिक्शन नहीं करी तो क्या करा। तो आज की पहली प्रेडिक्शन ये है कि इस मैच के अंदर दोनों टीमों के कप्तान मिलकर 50 से ज्यादा रन बनाने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि रोहित शर्मा और ऋषभ पंत दोनों मिलकर इस मैच के अंदर 50 या 50 से ज्यादा रन बनाएंगे। और दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि दिल्ली की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज होंगे इस मैच के अंदर पृथ्वी शो, और मुंबई इंडियंस के लिए इस मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हो सकते हैं ईशान शानदार किशन। तो चलिए इसी के साथ अब बात कर लेते हैं अपनी लास्ट प्रेडिक्शन, मतलब इस मैच को कौन सी टीम अपने नाम करने वाली है। तो भाइयों इस प्रेडिक्शन के अंदर मैं जा रहा हूं मुंबई इंडियंस के साथ, क्योंकि यार दिल्ली के पास शुरुआती कुछ मैचों में कुछ प्लेयर अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो इसी वजह से वहां पर मुझे लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल थोड़ी सी पीछे हो सकती है इस मैच के अंदर। तो बस मेरे भाइयों इस गेम प्लान के अंदर बस इतना ही। अगर आपको ये गेम प्लान जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आगे भी अपने इस चैनल पे ऐसा ही गेम प्लान देखना चाहते हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।